हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता, सूजी केक, वो भी नमकीन। मीठे केक तो आपने बहुत खाए होंगे, ये नमकीन केक ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। मैं हर रोज एक वीडियो डालती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, सूजी केक। सूजी केक बनाने के लिए सबसे पहले सूजी का बैटर बनाएंगे। ये मैंने 1.5 कप सूजी ली है, इसमें मैं 1/2 कप बेसन डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है, इसको मिला लेंगे। 1 कप मैं इसमें दही डाल रही हूँ, दही रूम टेम्परेचर का होना चाहिए और ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। 1 कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, थोड़ा सा पानी मैंने बचा लिया है, बाद में ऐड करूँगी कंसिस्टेंसी इसकी देख के। 15 मिनट के लिए सूजी को रेस्ट करने के लिए रख देंगे, तब तक ये फूल जाएगी। बैटर को रेस्ट करते हुए 15 मिनट हो गई हैं, अब मैं इसको चेक कर रही हूँ, बैटर हमारा फूल गया है अच्छी तरह से। अब इसमें सब्जियाँ ऐड करूँगी। ये देखिए, ये मैंने तीनों कलर की शिमला मिर्ची टोटल करके 1/2 कप ली हैं। इसमें कोई भी कलर की आप ले सकते हैं, एक कलर की हैं तो एक कलर की भी ले सकते हैं। 1/2 कप मैंने ये बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने अदरक और हरी मिर्ची बारीक कटी हुई ली है, 1/4 कप मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ। सब्जियों से भरा हुआ ये केक बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्दी भी है नाश्ता ये। इसमें इनो मिलाने से पहले अपना स्टीमर तैयार करूँगी। ये देखिए, ये मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ली है, आप बड़ा सा पतीला है तो पतीला भी ले सकते हैं, कढ़ाई है तो कढ़ाई ले सकते हैं। इसके अंदर या तो ऐसा रिंग रख दें या फिर इस तरह का है स्टीम का ये रिंग, तो ऐसा रख दें। इसमें मैं 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ जो रिंग के नीचे नीचे रहे। अब ढक्कन लगा के इसको मैं स्टीम करने के लिए रख रही हूँ। केक बनाने के लिए मैंने ये डोंगा लिया है, आपके पास अगर हीट प्रूफ कांच का बर्तन है तो वो ले लें, या फिर आप जिसमें भी केक वगैरह बनाते हो मोल्ड में वो ले लें, स्टील का या एल्युमिनियम का जो भी, मैं ये कांच का बर्तन ले रही हूँ। इसको अच्छी तरह से ऑयल लगा लेंगे किनारों में भी। बर्तन को मैंने अच्छी तरह से ऑयल लगा दिया है। ये मैंने 1-1 टेबल स्पून हरी शिमला मिर्ची और लाल शिमला मिर्ची बचा ली थी, ये मैं इसमें मिला के थोड़ी नीचे डाल रही हूँ ताकि जब हम केक को अनमोल्ड करेंगे तो ये ऊपर से सुंदर दिखाई देंगी। इसको साइड पे रख रही हूँ और अपना बैटर चेक करते हैं। बैटर को एक बारी अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, अब मैं इसमें इनो डालूंगी, जो इनो हम पीते हैं पानी में डाल के, ये वही इनो है। ये मैं 1 टीस्पून इनो इसमें मिला रही हूँ, थोड़ा सा इसके ऊपर पानी डालेंगे। ये देखिए, ये एकदम एक्टिवेट हो गया है। इसमें मैंने पूरा 1 कप पानी डाला है। बैटर की कंसिस्टेंसी पानी के हिसाब से ना देखें, क्योंकि मेरे यहाँ गाय का दही होता है थोड़ा पतला तो पानी कम लगता है, अगर आपका दही गाढ़ा है तो पानी थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब मैं इस बैटर को मोल्ड में डालूंगी। सूजी केक हमारा स्टीम होने के लिए तैयार है, अब इसको स्टीमर में रखूंगी। स्टीमर एकदम तैयार है, अच्छे से स्टीम बन रही है। अब इसके अंदर अपना ये मोल्ड रख दूंगी। अब इसको ढक्कन लगा देंगे और 15 मिनट के लिए इसको स्टीम करेंगे। ये मैंने गैस का जो मीडियम साइज बर्नर होता है उसके ऊपर रखा है, तो मैं इसको मीडियम हाई फ्लेम पे रखूंगी। 15 मिनट के बाद केक को चेक कर लें, क्योंकि सबके गैस के बर्नर के साइज अलग होते हैं, तो अगर टूथपिक से चेक करेंगे नहीं हुआ होगा तो और स्टीम लगा लेंगे। अब इसको 15 मिनट के लिए मैं स्टीम करूँगी। केक को स्टीम होते हुए 20 मिनट्स हो गए हैं, अब मैं चेक कर रही हूँ।
ये देखिए बहुत ही बढ़िया बना है। ये एक टूथपिक लेके चेक करेंगे, टूथपिक हमारी एकदम क्लीन निकली है, इसका मतलब केक अच्छी तरह से स्टीम हो गया है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसको कम से कम ठंडा होने में आधा घंटा लगेगा, उसके बाद मैं इसको अनमोल्ड करूँगी। जब तक हमारा सूजी केक ठंडा हो रहा है तब तक उसके लिए एक अच्छा सा तड़का बना लेती हूँ। गैस ऑन करी है मैंने, 1 टीस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है, ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें मैं 1 पिंच हींग डाल रही हूँ, 1 टीस्पून मैंने इसमें सरसों डाली है, थोड़े से मैं इसमें कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। ये देखिए ये सफ़ेद तिल है, 1 बड़ा स्पून मैं इसमें सफ़ेद तिल डाल रही हूँ। तड़का तैयार है, गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब अपना केक देखते हैं। केक बिल्कुल ठंडा हो चुका है, साइडों से इसको थोड़ा सा नाइफ से पहले ढीला कर लूँगी। अब जिस भी ट्रे में हमें इसको सर्व करना है उसको ऊपर रखेंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर सा हमारा सूजी केक बनके तैयार है। अब इसके ऊपर मैं तड़का डालूंगी। ये फ्रेश नारियल है कद्दूकस किया हुआ, ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल लेंगे। अब इसको काट के बताती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छा हमारा केक बना है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको प्यार से बनाइए, प्यार से खिलाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।